अब देखिए हम यहाँ पर आज कर रहे हैं 14th पार्ट कंथापुरा का। वेल इफ़ आई से यस व्हाट देन। अब देखिए नंजम्मा कहती है कि हाँ अगर मैं हाँ कह भी देती हूँ तो क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड देन यू सो एंड योर हार्वेस्ट इज़ ग्रांड दिस ईयर। अब मूर्ति उसको फिर से समझाता है कि मान लो कि तुम अब की बार फसल उगाती हो और तुम्हारी फसल इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। एंड मोर पीपल कम फ्रॉम बॉम्बे एंड सोलापुर, और ज़्यादा लोग बॉम्बे और सोलापुर से इसे खरीदने के लिए आए। एंड दे ब्रिंग बिगर कार्ड्स एंड लार्जर मनी सैक्स, और वे अपने साथ क्या लेकर आए, और ज़्यादा बड़े कार्ड्स लेकर आए, और ज़्यादा बड़ी घोड़ा गाड़ी लेकर आए अपने साथ इस राइस की फसल को अपने साथ ले जाने के लिए, और ज़्यादा बड़े मनी सैक्स लेकर आए, पैसे की भरी हुई और बड़ी बोरियां लेकर आए अपने साथ राइस खरीदने के लिए। देन यू से, तब तुम कहोगे दे पे 20 रुपीज़ अखंडा दिस ईयर, कि उन्हें क्या पे करना होगा इसके लिए, इस साल 20 रुपये का एक खंडा पे करना होगा। इफ़ आई कीप माई राइस इट इज़ ऑल सच ए वॉदर मेजरिंग, अगर मैं ये नहीं बेचती हूँ ये फसल तो ये कैसे होगी मेरे लिए बात, वॉदर मेजरिंग कि इसे मापना, इस फसल को माप कर रखना मेरे लिए वॉदर कर देने वाला होगा। वॉदर क्या होता है, चिंतित कर देने वाला होगा। मेजरिंग इट टू आउट टू रंगी एंड मेजरिंग इट बैक फ्रॉम हर एंड क्वरलिंग ओवर हर मेजर्स, तो इस फसल को मापना रंगी के लिए भी क्या रहेगा, वोदर मेजरिंग रहेगा, चिंतित करने वाला रहेगा कि फसल को माप कर कहाँ रखा जाए, और साथ में क्या होगा, ये एक लड़ाई झगड़ा करने वाली बात होगी इस फसल को माप कर रखना। एंड देयर आर द रैट्स एंड द वर्म्स एंड द कैटल एंड देन यू हैव टू पे रिवेन्यू। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें, अगर मैं अपनी फसल बचाकर रख भी लेती हूँ इस साल तो क्या होगा, जो रैट्स हैं हमारी फसलों को वो ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं, वर्म्स कीड़े लग जाते हैं, और जो मवेशी है वो फसलों को खा जाते हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए तो हमें पे करना होता है रिवेन्यू। इस फसल को बेचकर ही हम क्या करते हैं, रिवेन्यू राजस्व होता है, जो फसलों पर कर होता है, टैक्स होता है, उसको हम पे करते हैं। एंड बट्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है जो किसका, भट्ट का। इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, ब्याज, जो भट्ट को ब्याज देना है वो कहाँ से देंगे, भट्ट से ये लोग लोन लेते हैं, गांव के लोग, कंथापुरा के लोग इस भट्ट नाम के व्यक्ति से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, उधार पर पैसा लेते हैं, और ये उन्हें अपनी फसलों को बेचने के बाद चुकाना होता है। तो अगर वे फसल नहीं बेचेंगे तो वो भट्ट को कैसे अपना लोन वापस चुकाएंगे, ब्याज कैसे देंगे उस लोन का। एंड हु नोज द राइस मे गो डाउन इन प्राइस, और कौन जानता है कि इस साल प्राइस नीचे चले जाए, और ज़्यादा नीचे चले जाए, क्या पता राइस की कीमत है जो वो अब गिर जाए, एज इट डिड 2 years ago, जैसा कि 2 साल पहले हुआ था। सो यू गो टू द एजेंट एंड से ऑल राइट आई कैन गिव यू 44 खंडाज, तो ठीक है तुम्हें क्या करना होगा, एजेंट्स के पास जाना होगा, और वे और क्या कहना होगा वहाँ पर, ऑल राइट ठीक है मैं तुम्हें 44 खंडाज देती हूँ। एंड एज ही ओपन्स हिज बैग, और यदि वो जैसे ही अपना बैग खोलता है, एंड काउंट्स आउट रूपी आफ्टर रूपी इन द बैकयार्ड, और तुम्हारे खेतों में वो क्या करता है, आकर और ज़्यादा पैसे की बोरियाँ भरकर लाता है, और पैसे ही पैसे वो गिनता हुआ तुम्हें देता है। दे आर ऑलरेडी सेइंग 3, 4, 5 एंड द गोड्स एक्स्ट्रा, और इस तरह से वो 3, 4, 5 करता हुआ तुम्हें पैसा देता जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें देगा। हम देयर इज़ गैपिंग सैक्स बिफोर देम, और उनके पास बहुत सी बोरियाँ होगी। नाइट कम्स एंड आवर ग्रैनी इज़ एम्प्टी एज मॉर्निंग हाउस, और क्या होगा जब तुम ये फसल बेच दोगी तो रात आएगी, एक रात आएगी तब तुम्हारी गृहिणी क्या कर रही होगी, एम्प्टी होने के बाद, खाली होने के बाद, जब तुम्हारे पास कुछ भी फसल नहीं बचेगी तब वो क्या कर रही होगी, बिलाप कर रही होगी अपने घर में। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग हस्किंग रंगी मेट्स यू ऑन योर वे टू द रिवर एंड सेज, और यदि तुम ये फसल अपने पास बचाकर रखती हो तो हस्किंग रंगी है एक रोज़ तुम्हें रास्ते में मिलेगी किसी नदी के किनारे, और क्या कहेगी, एंड व्हेन शैल आई कम फॉर द पैडी, कि अगर तुम्हारे पास फसल बची होगी
या फिर तुमने उसे बचा कर रखा होगा अपने यूज के लिए, बेचने के लिए, तो तुम उसे कह पाओगी जब वो तुमसे क्या पूछेगी कि मैं तुम्हारी पैडी की फसल खरीदने के लिए, धान की फसल खरीदने के लिए कब आऊँ मदर। लेट दशहरा कम रंगी, तो तुम क्या कहोगी कि दशहरा आने दो रंगी, वीव स्टिल लास्ट ईयर्स राइस, कि अभी भी हमारे पास पिछले साल के राइस बचे हुए हैं, यदि तुम इस राइस को इस साल नहीं बेचोगी तो तुम उसे क्या कहोगी कि हमारे पास पिछले साल के राइस बचे हुए हैं बेचने के लिए, वी हैवेंट स्वेलोड इट ऑल यू से, तो तुम क्या कहोगी हमने इसे पूरा नहीं निगल लिया है, यानी हमारे पास राइस अभी भी बेचने के लिए है और तुम और अच्छे दाम में ये फसल उसे बेच पाओगी। बट रंगी नोज द ट्रूथ, पर रंगी को ट्रूथ पता होगा, सच्चाई पता होगी। एंड वेन द रेनी सीजन कम्स एंड देयर इज लिटल राइस टू कैट, और क्या होगा फसल नहीं होगी, तुम्हारे पास राइस नहीं होगे, एक रोज वर्षा ऋतु के टाइम पर क्या होगा, एक कैट आएगी, एक बिल्ली आएगी थोड़े बहुत राइस के लिए तुम्हारे घर के बाहर, सी विल पास बाय योर डोर, तुम्हारे दरवाजे के पास से गुजरेगी, एंड स्पिट थ्री टाइम्स, और वो तीन बार थूकेगी तुम्हारे दरवाजे पर, एट यू इन द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन, क्योंकि तुम्हारे पास उसके बच्चों को देने के लिए, बिल्ली के बच्चों को खिलाने के लिए राइस का एक दाना भी नहीं होगा। इस तरह से बिल्ली क्या करेगी, तुम पर नाराजगी जताएगी। देन सी टू विल गो टू वर्क ऑन द फील्ड्स, फिर क्या करना होगा, तुम्हारे पास फील्ड में कोई फसल नहीं होगी, तुम्हें उसे उगाने के लिए अपने पति के साथ कहाँ जाना पड़ेगा, खेतों में खुद काम करने जाना पड़ेगा, एंड सो टू वर्क ऑन फील्ड दैट हार्डली नीडेड वन एंड द चिल्ड्रन विल गो फूडलेस, और तुम वहाँ पर जाकर काम करोगी जो तुमने पहले मुश्किल से ही कभी किया होगा, तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, फूडलेस होंगे, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, एंड द नेक्स्ट हार्वेस्ट एजेंट्स विल कम एंड ब्रिंग वेरिटेबल मोटर लॉरेज, अब क्या होगा अगले साल और ज़्यादा एजेंट आएंगे, अगले साल फिर से फसलें खरीदने के लिए एजेंट आएंगे, और इस बार वो कोई कार्ट लेकर या कोई बड़ा कार्ट, बिगर कार्ट लेकर नहीं आएंगे, वो इस टाइम क्या लेकर आएंगे, ना ही कार्ट होगा, ना ही बिगर कार्ट होगा, कोई बड़ा कार्ट होगा, बल्कि क्या होगा मोटर लॉरीज, वे अब की बार ट्रक लेकर आएंगे, क्या खरीदने के लिए, तुम्हारी फसलें खरीदने के लिए, सच एज दे हैव इन द स्केफिंगटन कॉफी इस्टेट, जैसा कि तुमने देखा होगा कि स्केफिंगटन कॉफी इस्टेट है, वहाँ पर फसलें खरीदने के लिए बड़े बड़े एजेंट आते हैं, क्या लेकर, लोरीज लेकर, एंड दे विल टेक अवे ऑल योर राइस, और फिर वे क्या करेंगे इन मोटर लोरीज में तुम्हारी फसलों को, राइस को भरकर ले जाएंगे, यू विल हैव टू गो टू सुब्बा चेट्टी, और फिर क्या करना होगा तुम्हें, फिर से सुब्बा चेट्टी के पास जाना होगा, एंड बाय परहैप्स द वेरी राइस दैट ग्रू इन योर फील्ड, और तुम्हें वही राइस खरीदने पड़ेंगे जो तुम्हारे ही खेतों के होंगे, और वह सुब्बा चेट्टी के पास पहुंच चुके होंगे, तुम उनकी दुकान से अपने लिए राइस खरीदने के लिए फिर से जाओगे, एंड एट फोर शेर से रुपीटो, और फिर वो क्या करेगा, चार शेर के एक रुपया तुमसे वो लेगा, द सिटी पीपल ब्रिंग विद देम क्लोथ्स एंड शुगर एंड बैंगल्स, अब देखिए सिटी से जो लोग आते हैं, नंजम्मा से कहता है मूर्ति, वो अपने साथ क्या कुछ लेकर आते हैं, अपने साथ कपड़े लेकर आते हैं, चीनी लेकर आते हैं, चूड़ियाँ लेकर आते हैं, दैट दे मैनुफैक्चर इन देयर ओन कंट्री, जो अपने ही देश में वो बनाते हैं, एंड यू विल बाई क्लोथ्स, और तुम उनसे क्या खरीदती हो, कपड़े खरीदती हो, ये चीनी खरीदती हो, बैंगल्स खरीदती हो, यू विल गिव अवे दिस मनी, और इसके बदले तुम उन्हें क्या देती हो, इसके बदले तुम उन्हें पैसा देती हो, एंड दैट मनी एंड यू विल इवन गो टू भट फॉर अ लोन फॉर द पीकॉक ब्लू साड़ी दे ब्रिंग जस्ट गोज विद लक्ष्मी एंड लक्ष्मी इज टू बी मैरिड सून, अब देखिए तुम क्या करते हो, उन्हें पैसा दे देते हो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक साड़ी चाहिए, पीकॉक ब्लू साड़ी चाहिए, एक मोर पंखी नीले रंग की साड़ी चाहिए, लक्ष्मी के लिए चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की जल्दी ही मैरिज होने वाली है, और ये खरीदने के लिए तुम फिर किसके पास जाओगे, तुम जाओगे फिर से भट्ट के पास लोन लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, पीकॉक ब्लू साड़ी चाहिए लक्ष्मी के लिए, जिसकी मैरिज होने वाली है जल्दी ही, दे ब्रिंग सोप्स एंड परफ्यूम्स एंड दस दे बाय योर राइस, अब कई लोग क्या करते हैं, सोप्स लेकर आते हैं, साबुने लेकर आते हैं, इत्र लेकर आते हैं तुम्हें बेचने के लिए, और बदले में भी तुमसे क्या खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं टू सेल
देयर वेयर्स, अपनी चीज़ों को बेचकर। यू गेट पुअरर एंड पुअरर, और इस तरह से तुम क्या करते हो, तुम उन्हें अपनी फसलें दे देते हो, तुम गरीब से गरीब होते जाते हो। एंड द प्रीहास बिगिन टू स्टार्व, और इसी चक्कर में क्या हुआ है, प्रीहा है जो कंथापुरा में प्रीहा कास्ट के लोग हैं, वो इसी तरह से भूखे मर रहे हैं, यही रीजन है। एंड वन डे ओल बट भट एंड सुबह चेटी विल हैव नथिंग एल्स टू ईट, और एक दिन ऐसा आएगा जो भट है जो तुम्हें लोन देता है, और दूसरा है सुबह चेट्टी जिनसे तुम राइस खरीदते हो तुम्हारे ही खेतों में उगाए हुए। उन दोनों के पास तो बहुत पैसा होगा पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। बट द पेबल्स ऑफ द हिमावती, तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हिमावती के पत्थर बचेंगे खाने के लिए। एंड ड्रिंक हर वाटर सेइंग रामा कृष्णा रामा कृष्णा सिस्टर दैट इज़ हाउ इट इज, और फिर क्या होगा, हिमावती क्या है, यहाँ पर एक रिवर है, नदी है कंथापुरा में जो बहती है। तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और तुम हिमावती से पत्थर निकाल कर खाओगे और उसका पानी पियोगे और साथ में क्या जपोगे, सिर्फ रमा कृष्णा जपते रह जाओगे सिस्टर। दैट इज़ हाउ इट इज, और यही है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब देखिए क्या होता है, मूर्ति ने सब कुछ नंजम्मा को समझाया कि कैसे वे गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने खुद के माल का, खुद के हाथ से बने हुए चीज़ों का, फसलों का यूज नहीं करते। ओह आई एम नो लर्न्ड पर्सन एक्सप्लेन्स नंजम्मा, अब नंजम्मा एक्सप्लेन करती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं हूँ। यू हैव बीन टू द सिटी एंड यू शुड नो मोर देन मी, तुम सिटी से होकर आए हो, सिटी में रह कर आए हो, इसलिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा कुछ पता है, मुझसे ज़्यादा जानते हो, तुम पढ़े लिखे हो तुम। बट टेल मी माई सन डज द महात्मा स्पिन, परंतु मेरे बेटे तुम मुझे ये बताओ कि महात्मा गांधी खुद भी स्पिन करते हैं क्या, वो खुद भी चरखा चलाते हैं। द महात्मा सिस्टर, अब मूर्ति कहता है कि महात्मा बहन, वाई एवरी मॉर्निंग ही स्पिन्स फॉर 2 hours इमिडिएटली आफ्टर द प्रेयर्स। अब मूर्ति उसे बताता है कि जो महात्मा गांधी है हर रोज सुबह लगातार 2 hours क्या करता है, प्रेयर करने के बाद लगातार 2 hours चरखा काटते हैं। गांधी जी, ही सेज स्पिनिंग इज एज प्योरीफाइंग एज प्रेइंग, गांधी जी का कहना है कि जो स्पिन करना है ठीक वैसा ही है जैसे तुम भगवान की प्रार्थना करके खुद को शुद्ध करते हो, वैसे ही तुम चरखा काट के खुद को शुद्ध करते हो। देन माई सन आई हैव अ चरखा, और अब यहाँ पर नंजम्मा कहती है कि बेटा तो ठीक है मैं चरखा ज़रूर लूँगी, बट आई कैन पे नथिंग फॉर इट, पर मेरे पास इसको लेने के बाद पे करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। यू नीड पे नथिंग सिस्टर, अब मूर्ति कहता है नंजम्मा को कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ पे करने की बहन। आई टेल यू द कांग्रेस गिव्स इट फ्री, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि कांग्रेस इसे फ्री दे रही है, तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। रियली यू मीन इट विल कॉस्ट मी नथिंग, सचमुच क्या मुझे इसके लिए कुछ नहीं देना होगा। फॉर यू सी आई एम सो ऑक्यूपाइड एट होम एंड मे बी आईड नेवर फाइंड टाइम टू स्पिन, हो सकता है क्योंकि मैं बिजी हूँ मेरे पास स्पिन करने के लिए ज़्यादा समय ना हो। इट्स योर सिस्टर्स, अब मूर्ति उसको बोलता है कि ये तुम्हारा होगा। एंड एवरी मंथ आई सेल कम टू आस्क यू हाउ मैनी यार्ड्स यू हैव स्पन, और हर महीने मैं यह देखने आऊँगा, मैं यह पूछने आऊँगा आपसे कि आपने एक महीने में कितना सूत काटा है। एंड एवरी मंथ आई सेल गैदर योर यार्न एंड सेंड इट टू द सिटी, और हर महीने मैं तुमसे ये सारा सूत इकट्ठा करूँगा और इसे कहाँ भेजूँगा, शहर में भेज दूँगा। एंड द सिटी पीपल विल रिड्यूस यू फॉर द कॉटन, और जो शहर के लोग होंगे वो अपनी फैक्ट्रियों में तुम्हारे लिए इसको कॉटन में बदल देंगे, रुई में बदल देंगे। एंड द सिटी पीपल विल रिड्यूस यू फॉर द कॉटन चार्जेज एंड फॉर द रेस्ट यू हैव योर क्लॉथ, और इसके बदले में तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा। यू आर अ क्लेवर फेलो टू नो ऑल दीज ट्रिक्स सेज नंजम्मा वीमिंग, अब नंजम्मा है जो चमक लाते हुए अपने चेहरे पर मूर्ति से कहती है कि तुम सचमुच बहुत चतुर हो।
जिसे मैंने जाना नहीं था, यानी जानने में पता चला है मुझे कि तुम ज़्यादा ही चतुर हो, तुम सारी ट्रिक्स जानते हो। हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी मूर्ति, मूर्ति क्या तुम कॉफ़ी का एक कप लोगे? एंड शी गोज इन एंड ब्रिंग्स आउट ए वार्म कप ऑफ कॉफ़ी, और वो क्या करती है अब अंदर जाती है नंजम्मा और उसके लिए एक कप कॉफ़ी का लेकर बाहर आती है। एंड व्हेन ही हैज फिनिश्ड ड्रिंकिंग, और जब मूर्ति इसे पी लेता है कॉफ़ी को, ही गोज डाउन द स्ट्रीट टू सी पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायणा, तो वो पीते ही कॉफ़ी को कहाँ जाता है, गली में जाता है सीढ़ियों से उतर कर, और किससे मिलने के लिए, पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायणा से मिलने के लिए। पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायणा इज ऑलरेडी ए गांधीस्ट, अब देखिए जो पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायणा है ये पहले ही गांधीवादी है, मूर्ति की तरह ही ये भी गांधीवादी है। ही आस्क फॉर टू चरखाज, वो दो चरखे के बारे में बात करता है। देन ही गोज मूर्ति टू पंडित वेंकटेशिया एंड स्नफ शास्त्री एंड रंगम्मा विडोर सिस्टर सितम्मा, और ये सब कहाँ कहाँ जाते हैं, अब ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, वह कहाँ जाता है मूर्ति के साथ, पंडित वेंकटेशिया के पास और स्नफ शास्त्री के पास। अब देखिए हर नाम यहाँ पर सिंबॉलिक है, इनकी क्वालिटी बताता है, जो लोग जैसे हैं, जैसे उनकी हैबिट्स है, जैसे उनकी क्वालिटी है, उनके गुण हैं, उनके बारे में ही इनके नाम रखे गए हैं, उनसे रिलेटेड ही इनके नाम हैं। जैसे पंडित है जिसका नाम है वेंकटेशिया, स्नफ शास्त्री एक सूंघने वाला शास्त्री है, स्नफ क्या है, स्नफ सूंघने की चीज़ होती है कोई नसवार वगैरह, और रंगम्मा है यहाँ पर बिडोड़ है जो उसकी सिस्टर है सितम्मा, इनके पास ये जाते हैं। एंड हर डॉटर रत्ना, और किससे मिलते हैं, उनकी डॉटर रत्ना से भी मिलते हैं। कार्डमम फील्ड रामचंद्र, और किससे मिलते हैं, कार्डमम फील्ड रामचंद्र से, अब देखिए रामचंद्र का कार्डमम फील्ड है, इस पर ही इसका नाम रखा है कार्डमम फील्ड रामचंद्रा। कार्डमम फील्ड क्या होता है, इलायची का खेत या बाग। एंड दे ऑल से, और वे सभी मिलकर कहते हैं, ओ यस माई सन, ओ यस, कि हाँ हाँ मेरा बेटा हाँ। एंड सो ही लीव्स द ब्राह्मण क्वार्टर, और इसके बाद वो ब्राह्मण क्वार्टर को छोड़ देता है, यानी मूर्ति यहाँ से चला जाता है। एंड गोज टू द प्रिया क्वार्टर्स, और वो प्रिया क्वार्टर्स में जाता है जिन्हें अछूत कहा जाता है। एंड द प्रियाज आर सो हैप्पी टू सी अ ब्राह्मण अमंग देम दैट दे से यस यस लर्न वन एंड लेफ्ट हैंडेड मदन सन चेन्ना एंड बिडल तिमैया सन भीमा एंड ओल्ड मोटा एंड वन आइड लिंगा एंड जैक ट्री टिप्पा ऑल ऑफ देम फॉलो हिम होम। अब देखिए जैसे ही वो प्रियो के घर में जाता है, प्रिया कास्ट के घर में जाता है, इस जाति के घर के लोगों में पहुंचता है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है मूर्ति, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि एक ब्राह्मण हमारे घर में आया है, और उसके साथ देते हुए सभी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, जो कौन कौन है, लेफ्ट हैंडेड मदन्ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड से काम करता है इसलिए इसका नाम रख दिया है लेफ्ट हैंडेड मदन्ना। मदन्ना का ये बेटा है चिन्ना, ये जाता है साथ में, बीडल तिमैया जाता है, और उसका बेटा भीम जाता है साथ में, ओल्ड मोटा जाता है, और वन आइड लिंग, लिंगा कहते हैं जिसको, बनाइड लिंगा जाता है, एक आंख वाला लिंगा वहाँ जाता है, इसकी एक आंख है इसलिए इसका नाम बनाइड लिंगा रखा है। एंड जैक ट्री टिप्पा, अब टिप्पा है कोई व्यक्ति, वो साथ में लग लेता है, और ऐसा करते करते उसको सभी फॉलो करते रहते हैं, यानी उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। एंड टू ईच वन ऑफ देम ही गिव्स ए स्पिनिंग व्हील, और इन सभी को मूर्ति क्या देता है, एक एक चरखा दे देता है। एंड ए सियर ऑफ कॉटन हैम्प, और साथ में एक सेर कॉटन हैम्प कॉटन का ढेर भी दे देता है। एंड दे गो बैक विद देयर स्पिनिंग व्हील्स अपॉन देयर शोल्डर्स देयर माउथ टचिंग द ईयर्स विद डिलाइट। अब क्या था, सभी अपने अपने कंधों पर इन चरखों को रख के चल पड़ते हैं अपने घरों की तरफ, और उनके माउथ है जो टचिंग द ईयर्स विद डिलाइट, कि उनके माउथ उनके मुंह है जो वो उनके कानों को टच कर रहे हैं खुशी से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वे सभी आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि वे बहुत खुश थे क्या लेकर, ये चरखा ले जाते हुए। नोट ए पाई फॉर दिस, क्योंकि उन्हें इसके लिए एक पाई तक नहीं चुकानी पड़ी थी। दे वुड स्पिन एंड स्पिन एंड स्पिन, उन्हें सिर्फ क्या करना था, सिर्फ चरखा कातना था और सिर्फ काते रहना था। एंड इफ दैट ब्राह्मण बॉय वॉज टू बी बिलीव्ड दे वुड हैव क्लोथ्स टू बियर ब्लैंकेट्स एंड शर्ट्स एंड लॉइन क्लोथ्स। अब उनके पास, ब्राह्मणों के पास क्या था, ये ब्राह्मण बॉय था जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनके पास क्या कुछ होगा, अब क्लोथ होंगे पहनने के लिए, वस्त्र होंगे, कंबल होंगे,
शर्ट्स होगी, लॉइन क्लॉथ्स धोती का कपड़ा होगा, धोती के लिए कपड़ा होगा अब उनके पास। दे सैड इट वॉज ऑल ऑफ द महात्मा, अब ये सभी लोग मिलकर कहते हैं ये सिर्फ किसके कारण हुआ है, महात्मा गांधी जी के कारण हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।